मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू छोटो को ढेर सारा प्यार बड़ो को पैरी पौना जी पैरी पौना जी एक्चुअली थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है। अरे भाई बंद कर दिया। तो अभी बस मैं आरती करने लगी हूँ क्योंकि सुबह की शुरुआत तो आजकल पप्पा के साथ ही हो रही है और कल है विसर्जन। तो बहुत जल्दी आ गया विसर्जन, मेरा दिल ऐसे ऐसे हॉल पड़ रहे हैं। अभी विसर्जन नहीं होना चाहिए था बट इनके साथ एक बहुत ही मतलब कनेक्टिविटी और प्यार घर में और पॉजिटिविटी इतनी रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। घर में कोई भी आता था ना तो वो आके कहता था कि मीनू घर में ना अंदर घुसते बड़ी पॉजिटिव वाइब्स फील होती है, बड़ा अच्छा फील होता है। तो वो हमारी वजह से नहीं है, पापा की वजह से ही था। तो अब कल विसर्जन है और जो भी हमारे घर में विसर्जन पे आना चाहे मोस्ट वेलकम, दिल से दोनों हाथों से स्वागत है, आंखें भिजाकर स्वागत है। जो आना चाहे जरूर आए, कोई मनाही नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई किसी से नाराजगी नहीं, जो आना चाहे जरूर आए, हम दिल से स्वागत करेंगे। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट दोज वॉन्ट टू कम प्लीज़ डू कम। और टाइमिंग है हमारा 12:30 बजे का क्योंकि आरफ का एग्जाम है तो हम उसके आने के बाद ही विसर्जन स्टार्ट करेंगे। कल विसर्जन वाले दिन एग्जाम रख दिया, बताओ स्कूल वालों को भी कुछ पता नहीं चलता। तो चलिए अभी हम बप्पा की आरती शुरू करते हैं और ये देखिए बप्पा का भोग। गाइज ये देखिए जोत जल गई है, बप्पा हमारे परफ्यूम लगाकर एकदम टनाटन रेडी सुंदर से यहाँ बनाया है गोभी का पराठा। और आज जो हम लाए हैं ये है चमचम, ये बहुत ही फ्लावर वाली कलरफुल चमचम है और इनकी वजह से हम इतनी मिठाइयाँ खा रहे थे, कल से सब बंद हो जाएगा। तो चलिए हम बप्पा की आरती शुरू करते हैं। आरती तो मैंने कर ली और अभी मैंने बनाई है बप्पा के लिए देसी घी की चूरी। आपको पता है वो चूरी रोटी को ऐसे मुचोड़ कर सोड़ कर उसमें देसी घी और खूब सारी चीनी और खूब सारा घी डाल के जो बनाते हैं। तो आज मेरा मन कर रहा है, हाँ खूब सारी चीनी और खूब सारा देसी घी डलता है और पंजाब में तो ये लोग बहुत खुश होकर खाते हैं, इवन मैं भी बहुत खुश होकर खाती हूँ। तो आज मेरा मन था कि मैं इनको भी बना के खिलाऊँ। तो अभी मैंने बनाई है गणपति जी के लिए देसी घी और चीनी वाली चूरी। ये देखिए गाइस, ये देखिए ये बनी है चूरी। अभी उनको पराठे का भोग लगाया था तो थोड़ी देर बाद अब मैं उनको चूरी खिलाने लगी हूँ और बस अब आज सारा दिन इनके साथ ही चलता रहेगा ताकि ये हमारे घर में दोबारा से आए, प्यार बना रहे और गणपति बप्पा मोरया। भाई सुबह आपसे मिली थी बहुत ही अनटाइडी हालत में बट मैं नहाई हुई थी, अब मैं दोबारा नहाई हूँ। अनटाइडी क्योंकि वो ऐसे गंदे गंदे से रहते हैं ना, काम वाम करके नहा धो के भी ऐसे गंदा सा लगता है, बाल बिखरे हुए, बाल सड़ते ही नहीं है जब तक काम ना खत्म हो। तो मैं दोबारा नहाई हूँ, दोबारा नहा कर फिर रेडी हुई हूँ, टिप टॉप अब आपके सामने आई हूँ। बट ज़्यादा टिप टॉप नहीं हुई क्योंकि कल गणपति जी का विसर्जन है तो लाइनर पाइनर बिंदी बिंदी सब कल लगा के चमकेंगे। और अभी टाइम है बच्चों को आने में 10-15 मिनट, लेकिन उससे पहले मैंने आरफ के जो 5 चैप्टर्स थे, नहीं 6 5-6 चैप्टर्स का सारा ओरल टेस्ट ले लिया, लिटरेचर खल्लास। अभी बारी है ग्रामर और राइटिंग की, वो ही मेरे पास बैठकर करेगा। तो अभी लंच टाइम और मैंने दोपहर के लिए बनाई है मिक्स, वो हरी नीली पीली काली वाली जो दाल होती है ना वो, तो दाल चावल हमारा लंच है और पापा को भी भोग लगाएंगे। तो उससे पहले जो मशीन में कपड़े धुले पड़े वो मैं डाल दूँ फटाफट, तब तक आरब अपना रिविजन कर रहा है। मैं बोल के आ रही हूँ अटक अटक के इतनी जल्दी जल्दी में। तो चलिए मैं फटाफट अभी दाल होती है तो आपको दिखाती हूँ, फिर भोग लगाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ और फिर डोलो खाती हूँ क्योंकि डोलो के बिना मेरी गाड़ी नहीं चल रही है, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अभी आरब को देते हैं फ़ोन और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हम लोग देखिए वो मिक्स वाली दाल हमारी रेडी हो चुकी है और दाल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि सुबह प्रसाद वगैरह सब होगा, ब्रेड पकोड़े केले और हलवा वगैरह सब होगा तो मज़ा आएगा। कल बहुत ज़्यादा हम वेट कर रहे हैं सुबह का। और तू क्या खाने लगा भाई, क्या निकाला तूने? बस इसको तो कोई काम ही नहीं है। और एक्चुअली में ना ये वाला पीनट बटर बहुत टेस्टी है, इसमें ना क्रंचीनेस बहुत है, आप देख रहे हैं नट से भरा पड़ा। मैं भी खाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये वाला अच्छा लगा मुझे पहली बार। तो चलिए अभी हम दाल और चावल पप्पा को भोग लगाते हैं। गाइस मैं आज शाम को सोच रही हूँ गणपति जी के लिए, मतलब बिस्किट और फ्रूट्स वगैरह तो होते हैं, आ गया आए अपने आप मूड होगा तो आएगा वरना नहीं आता। तो आज ना चाउमीन मंगवाई जाए, चाउमीन लेकिन जो बनेगी ना वो बिना प्याज लहसुन के बिना कुछ ऐसा डाल के, उसको हम बोलेंगे कि हमें मंदिर के लिए चाहिए तो चाउमीन वो अलग से स्पेशल बना के देता है। तो चाउमीन हम बनवाएंगे गणपति जी के लिए क्योंकि थोड़ा अच्छा अच्छा खिला लो यार, फिर अगले साल आएंगे तो सेवा का मौका मिलेगा। तो आज गणपति जी के लिए बच्चों के साथ हम लगाएंगे चाउमीन का भोग। Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh.
हमारे साथ हमारे गणपति जी की आरती देखी और कल है विसर्जन, तो दिल को बड़ा ही दर्द हो रहा है कि कल विसर्जन हो जाएगा तो घर में वापस से सन्नाटा हो जाएगा इनके जाने के बाद, बट जो प्रथा है वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। और आज भोग में हमने चढ़ाया है चाउमीन, ये देखिए गाइस, ये देखिए गणपति जी का भोग, यहाँ है मोदक और ये चाउमीन लाए थे, इसमें प्याज लहसुन वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं है, स्पेशल बनवाई गई है बनानास और ये चमचम जो गणपति जी को भोग लगाई गई है। तो अभी हम बच्चों में प्रसाद बांटते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। बाजार जा रही हूँ गणपति जी की सुबह के लिए तैयारी करने, तो बाजार में मिलती हूँ, यहाँ बहुत अंधेरा हो रहा है। फाइनली हम बाजार आए हैं और हमने गुलाल लिया है, आप जरा साइड हो जाओ अपनी, और हमने गुलाल लिया, मैं आपको गुलाल का पैकेट दिखाती हूँ। हमने एक बड़ा 5 किलो वाला पैकेट ले लिया है, और ये हम कैरी कैसे करेंगे इसको मैं छोटी छोटी थैलियों में डाल दूँगी, लेकिन ये बहुत ही सेंटेड वाला गुलाब है। थैंक यू भैया। और इधर ना साथ में गणपति जी का पंडाल लगा हुआ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस देखिए यहाँ पर गणपति जी का पंडाल लगा हुआ है, गणपति बप्पा मोरिया, और गणपति जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखिए कितना सुंदर पंडाल बनाया हुआ है। अब 10:15 मैं घर पहुँची हूँ, और बात करते करते ना मेरी आँखें अपने आप बड़ी हो जाती है, मैं बड़ी करती नहीं हूँ, वो आदत हो जाती है, क्या करें। और सुबह के लिए सारी तैयारी हो गई, गुलाल ले आए बहुत सारा, बनानास ले आए, बाकी जो प्रसाद सुबह मिलना है हलवाई से वो तो सारा सुबह मिलेगा, और बिस्किट्स आ गए हैं, फूल माला आ गई है, फल आ गया है, गुलाल के पैकेट आ गए, बड़ा वाला पैकेट ले आया जो मैंने आपको दुकान दिखाई थी, तो सारा सामान आ गया। फिलहाल 10:15 मैं घर पहुंची हूँ, अब सुबह सिर्फ मेरे हस्बैंड का काम होगा प्रसाद हलवाई की दुकान से उठा के लाना, और बाकी सब कुछ आ चुका है, तो टेंशन खत्म। अब आराम से रात को नींद आएगी,